याद नहीं हुए, रे घपाई हो 200-250 ग्राम रो याद नहीं हुए, बहुत याद नहीं है। लेकिन बिर मैं सत नहीं, सत मती छोड़ी साई बार, सत छोड़ा पत जाए, और सतरी बांधोड़ी लक्ष्मी बा फेर मिलेगी आए। इर वास्ते सत राख्या भलो बड़े भाव, और विश्वकर्मा जी महाराज रो भजन है, भजन का लेखक है जी। कहीं थाने बता दूं कि आप पर जोधपुर दरबार में बहुत ही तकड़ा जोधपुर जिले में गायक होता स्वर्गवास मोहन जी झाला साहब, झाला सु थारा जोधपुर सु बहुत तकड़ा अच्छा झाला साहब भजन गायक होया, और गुरु विश्वकर्मा जी महाराज रा बहुत ही भगत है। आप खुद कारीगर को काम करता, लेकिन कला बार मन गाँव नाली झाला साहब रा कही के भजन होने नहीं, जन भक्तों ने याद आ जाए कि वास्तव झाला साहब गावता। इर वास्ते मारो तो भजन कच्चूड़ो है, और मारो यो भजन गावड़ो है, बाकी कोशिश हुई करूं कि थोड़ी बहुत थाने झाला साहब री याद आवे। के वास्ते में एड़ा पुराना कलाकार है जिका सनो मारे बीकानेर अमर जी सुथार जेड़ा है, और मारा लाडेसर बेटा भाई जी शिव जी सुथार बहुत सुरीला कलाकार, गोप जी जितना भी कलाकार है जिका प्राय प्राय कारीगर और मारे जागरण लागे जन कई कई बार मिलाप हो जाए। इर वास्ते ये गुरु विश्वकर्मा जी महाराज रो भजन सगले तन मन होनिया। इष्ट गुरु दयाल को मन में ध्यान लगा, इष्ट गुरु दयाल को मन में ध्यान लगाई, अष्ट सिद्धि नव निधि मिले जारे मन वांछित फल पा, विष्णु से विश्वकर्मा भये प्रभु दीनो शिल्प कला रो ज्ञान, आंख मांड प्रभु कला दर्शाई जरो अजर अमर हे ना, विष्णु से विश्वकर्मा भय प्रभु दिनो शिल्प कला रो ज्ञान। भगवान विष्णु रे अवतार रे मायने इधर तिर मायने करता होता होया तो विश्वकर्मा जी महाराज होया, करता और हरता, और सब मनुष्य जीवन रे वास्ते एक जीवन रो और मनुष्य जीवन रे हर चीज रो फल आ कृपा विश्वकर्मा जी महाराज। देख लो मोबाइल ने कोई टावर है, कोई तार है, कोई कहीं गोला गोड़ो ने ऑटोमेटिक आ कड़ाई विश्वकर्मा जी महाराज रे जन जार एड़ो विज्ञान की ना मायने एड़ो कलाकार हो यो जदो मोबाइल हो गड़ल बात गौर करे जेड़ी एड़ी बात गौर करे नहीं जन कहीं 250-300 वर्ष लार जाके नहीं जन जा अपनी बात याद आवे के वास्तव है तो भगवान की कृपा। जद मोहन जी झाला साहब ही भजन ने बड़ा सुनी लगावे कहीं देखो विश्वकर्मा जी महाराज ने बे याद करे कहीं बार ऊपर भगवान की कृपा हो जावे कहीं बात बन जावे। विश्वकर्मा स्वामी नारायण अंतर्यामी हो, गुरु विश्वकर्मा स्वामी डोकरे कृपाओं के कई बार कारीगर भगत पर मारवाड़ रहा ठेरा बारे रहे तो कई बार विश्वकर्मा जी महाराज जयंती री कदी कदी हाजरी लागिया करे, मैं कदी बारे जाया करा एड़ी बात को नहीं आप हारूडे भोजाश्र विषय को नहीं जावा कर पुन प्रताप हूँ कारीगर लोग रेवे विश्वकर्मा जी महाराज की जयंती साल भर हुआ वे एक साल हुआ वे अब आगे आऊंगा बहुत बड़ा चाव परदेश में मैंने हीरो जयंती रो महत्व करे और बहुत ही बढ़िया कणी कणी माने बैठे बार वास्ते देखने वास्ते माने घरे वाला पूछे थे कभी बारे कभी जाओ जन इं कहता मैं ही गेवड़ा एड़ी बात को बेंगलोर बीजापुर पूना कई कई जगह माथे गुरु महाराज की कृपा हुई पे केवड़ा बद में तो अठी रहवा में लेकिन एक साल में एक जयंती आवे भगत लोग मिल पड़ा गुरु महाराज ने याद करे जद मोहन झाला गावे विश्वकर्मा श्याम नारायण अंतर्यामी हो, गुरु विश्वकर्मा श्यामी हे नारायण अंतर्यामी हो,
शिल्प कला जग मिला बिना विश्वकर्मा लगाई नारायण लीला दिखाई विराट रूप बनाई लीला दिखाई विराट रूप बनाई और वजन समझ में आवे एकदम बढ़िया। दोनों हाथ उठाओ दे गाणी उठाओ दे गाणी माता बहन थे क्या हो ए भाई ये हथे ही करा कई दिनों भेड़ा होया। बोलो गुरु विश्वकर्मा भगवान की। नारायण अंतर्यामी विष्णु अंतर्यामी हरे शिल्प कला जग मिला बिना विश्वकर्मा स्वामी। नारायण अंतर्यामी विश्वकर्मा स्वामी नारायण अंतर्यामी हो। हरे शिल्प कला जग मिला बिना विश्वकर्मा स्वामी। क्या बात है क्यों विष्णु आज्ञा से ब्रह्मा सृष्टि रचाई सृष्टि रचन ने कारण प्रभु ध्यान लगाई नारायण लीला रचाई जद विराट रूप बनाई और बारो विश्वकर्मा नाम धरावियो। विश्वकर्मा जी महाराज अवतार ब्रह्मा विष्णु और महेश किनारे रूप रे मायने भगवान एकला विश्वकर्मा जी महाराज होया है। जद आज सृष्टि रो करता हरता सब काम सर्वपोत्र मन मनुष्य जीवन रे वास्ते धरती घनी होती बरसात घनी होती बाकी हाल हो कौन तो अन्न बीजन वास्ते भगवान विश्वकर्मा जी महाराज री आ महिमा हुई। कई चीजा देवड़ी है बताऊ ही भजन वाई ने झाला साहब रो लिखोड़ो है भजन। अरे देव तनाव मिले करता लड़ाई लड़ाई। अरे राजा पृथ्वी को जब अर्ध सुनाई अश्रु को आप हराया इंद्र जब यूं हर्षाया अश्रु को आप हराया इंद्र जब यूं हर्षाया सुंदर भावा नारायण अंतर्यामी विश्वकर्मा स्वामी नारायण अंतर्यामी हो। अरे शिल्प कला जग मिला बिना विश्वकर्मा स्वामी।
दानव मिल देवता और राक्षस आपसरी भाई में लड़न लागा जाने परजा इसी की भगवान कंजार फरियाद के जो हे महाराज एक कहानी है देवता है एक कहानी है राक्षस है ये हिसाब तो लड़ी नहीं पर बट बट मच गई अशिष्टि बड़े पड़ले होती लागे इरो कोई उपाय करो जद परजा पूरी बेड़ी हो अपनी भगवान विश्वकर्मा जी महाराज बन गया कहो महाराज कोई उपाय करो क्या कि खाली आदमी बैठो रहे बेलो आदमी जन बीरो माथो है नहीं जो खराब हो गया वो कीन की धंधे लागू रहे वो सही से देखो बोर्ड सही रहे वो करे बीरो तो भगवान विश्वकर्मा जी महाराज चबदे लोग रो समुद्र मथन कराउनो हरु करियो वो समुद्र मथन जन के ये खिलाने मायने लगा दो समुद्र रो मथन करबो करी बैठा धंधे लागोड़ा रे धंधे लागोड़ा नहीं लड़ाई कौन बेले बैठे न अपसाड़ आवे तो भगवान विश्वकर्मा जी महाराज इंच रूपी एक गिरी पर्वत हो तो जिक्र झेड़नो बनायो बात गौर करने दियो और शेष नाग जिक्र नेत्रो बनायो आ झेड़नो बना अपनो गिरी पर्वत पहाड़ रो आ समुद्र रो बर्तन बनायो अब के समुद्र ने मत बोग रो अब समुद्र रो कहीं सीमा है बताओ भगवान के वेड़े तंदर लगा तो जो कोई शक्ति दी बेला नहीं है अब भी सरना भी समुद्र है मैंने क्या चबदे रतन प्राप्त होया चबदे रतन प्राप्त होया अब यहाँ मथन करियो खिलौनो करियो आर एक खान देवतन पकड़ा जो एक खान राक्षस भेटी तो पड़ गई धंधे भी लाग गया और समुद्र मथन भी हो गया और चबदे रतन अधिकाय धरती माथे प्राप्त हो गया अरे भगवान विश्वकर्मा जी महाराज था तो के सृष्टि माथे ए रतन सही जी श्री रंबा विश्वारण अमी संकी गजराज धेनु धुनी धनवंतरी ए वेद डॉक्टर की नैनीताल जी के बात करो मणि हाँ और मणि बाद हो तो भी को भी समुद्र मायने लिखियो है काम देनु बाबी समुद्र मायने जदे शब्द रतन प्राप्त होया और मथन करियो जने इमरत हो तो जिको देवता लियो और जहर हो तो जिको राक्षसा लियो तो वीर मायने शंकर भगवान के भी जन वो जेल रो हला हला हरण करियो जदू के नीलकंठ महादेव भगवान होया जद देव दानव मिल करते लड़ाई राजा पृथु होया कर तो धरती माथे बाकी राजा पछे उड़ा है बाकी जिके दिन आ धरती भी पैदाइश हुई दीदन राजा पृथु हुई धरती माथे राज हरुपोत्र मन करनो छत्री पहलो यो ब्राह्मण शूद्र और क्षत्रिय और वैश्य चार जात रमाइनो वर्णन बनियोड़ो है बस माई जय बात की बारे कटी कोनी है बारे तो ऊपर करती पेजी कर दूं कहीं करूं बाकी बात तो माई लिए गौर करे जेडी बात देव दानव मिल करते लड़ाई राजा पृथु को जब अर्ज सुनाई असुरों को आप हराया और इंद्र जब यूं हर्षाया और सुंदर भवन दिखावियो और सबसे लोक रो भवन ओ भगवान विश्वकर्मा जी महाराज और बाकी ना रे देख लो टेंट एनी जिक्री चगो फांसी लगाओ रिये जनो ठहरियो है लेकिन भगवान ने सब दे लोक रमाई ने एडो भवन बना जो कोई टच को नहीं आओ अरे एडी कलाकारी बनाई है और सब दे लोक रमाई ने भगवान विश्वकर्मा जी महाराज अजर और अमर भजिया है मनुष्य जीवन वास्ते हमें गौर कर लो बातों देखा नहीं मकान है मकान गवाड़ी मांडा पायो लगावा हगड़ों खोदने पहली वास्तु वास्तु शास्त्र है नहीं अग्नि कोण रसोई वो अठ बेडरूम नृत्य कोण है मायने हैं और जल कोण भगवान की पूजा ए वास्तु शास्त्र है सब है विश्वकर्मा जी महाराज की माया है अगर बात अच्छी लागे तो बड़े भाव दोनों हाथ उठा बना देखा लगे बात बढ़िया समझ माइए जन को बोलो गुरु विश्वकर्मा भगवान की जय हो कुल मिलार माया है हजार बात री एक बात है क्या माया सब विश्वकर्मा जी महाराज है कुल मिलार भगवान मनुष्य जीवन वास्ते उत्पत्ति होया है अब देवता हो गया लेख तो पत्थर की मूर्ति बनावे नहीं बनावे कई लकड़ी बनावे कई आजकल वो सिस्टम कंप्यूटर वालों बापुर की हो है कैडो पोत जो है राफा खामी डॉटी हो नहीं तो यावल करते हैं कंप्यूटर मायने कला तकड़ी है कैरो कालो हुए स्पीकर जड़ो हुए नहीं तो भी ने एकदम बढ़िया बना दे आप फैशन गुरु महाराज री है हाँ बात गौर करने रही है वास्ते में तो कहने की बात है कि लीला
जादो गुरु विश्वकर्मा जी महाराज भजन जादर साहब गावे और कई बात बन जाओ। चलो भैया महाराज रो अवतार हो तो राजा परसू रात कहिया करता दिन हगड़ो जनता रो है देखो हिसाब किताब सौंपियो पहली राजा महाराजा रहे थे अमर मायने तो स्वरूप होत मायने हमें तो बे बीच अमर मायने देख लो भी तो पूरो सृष्टि रो राजा ने राज देवड़ो तो भी ते मन में कोई परवा को लावता और अन काई बात करो वार्ड पंचायत कुर्सी दे दे जन काठो काठो है कलडो कलडो है चौड़ो चौड़ो देवे अरे वार्ड पंचायत की बाकी कुर्सी बढ़ा दे तो कहना ही कहीं है बाकी हकीकत की बात है। और राजा पृथु ने भगवान विश्वकर्मा जी महाराज सौंपी क्या हो तो राजा और काम है रक्षा करने का प्रजारी रक्षा कौन करे राजा और राजा री रक्षा कौन करे प्रजा प्रजा नहीं है तो राजा नहीं है राजा नहीं है तो अगर प्रजा कहीं भी तू बात हो बचीर खावे जद विश्वकर्मा जी महाराज लिखे और कहीं कहे देखो अरे प्रथु को लाए नगरी किशन बसाई अरे प्रथु को लाए नगरी किशन बसाई अरे गुरु विश्वकर्मा जी का नाम बतलाई प्रथु रजदानी आया प्रभु का जान लगाया प्रभु रंगदानी रे आया प्रभु को जान लगाया अरे भेगा पधारो मारा बाप जी विश्वकर्मा स्वामी नारायण अंतरयामी विश्वकर्मा स्वामी नारायण अंतरयामी अरे सिर फेंकना विश्वकर्मा स्वामी रावई तागे करी राजावाने बाद धरती उतरती बड़ाई राजधानी प्रथु को लाए नगरी किसने बसाई है गुरु विश्वकर्मा जी का नाम बतलाई है प्रभु राजधानी आया राजा खुद भी राजधानी रमाई ने आवे और प्रभु का ध्यान लगाया और एकर बैठ पधारो मारा बाप जी जय एकर रचना करिए जय एकर दर्शन दे दो जो विश्वास हो जावे जद भगवान विश्वकर्मा जी महाराज ने राजा प्रथु ने शयन रूप आर पंचमुखी रूप बना अपना और कहीं दर्शन दीवे और कहीं बात बन जावे अरे पांच मुकट धर दर्शन दीना अरे चार मुकट धर दर्शन दीना अरे चार मुकट धर
कमंडल पुष्ट कटोरी भगत रत्ना सुजोड़ी कमंडल पुष्ट कटोरी भगत रत्ना सुजोड़ी आरती में नेत्र दिखला दिया विश्वकर्मा स्वामी धर दर्शन दीना वापस यंत्र गद धारण कीना कमंडल पुस्तक डोरी कमंडल जो संत साधु आखन हुए तुम भी आ भगवान संता वास्ते भी तुम संत होता संत महापुरुष होता दादा जो नाम अमर हुए और संता ने भलाई तुम भी कमंडल पुस्तक वेद हो तो जो ब्रह्मा जी महाराज ने हम भलाई बोलो महाराज ज्ञान रो उच्चारे जो ब्राह्मण देवता करे और पुस्तक डोरी डोरी होती भगवान खुद आप करने राखी और अपन खाली टोक देवड़ो के बस थे सारो काम सिद्ध कर लो डोर मकान में लगाए बिना मकान शीतो सिनाई में कतई को आवे इर वास्ते आ गुरु महाराज लीला बनाई जद कमंडल पुस्तक डोरी मुकुट रत्ना सो जोड़ी और प्रभु तीन नेत्र दिखलाया जिका शंकर भगवान ने लीला डी रमाई तीसरी के माँ देवो के देव महादेव तीन लोक रे मायने इसी मायने नजर हुए तो शिव भोलेनाथ ही हुए एक बार जेका लगे बड़े भाव शंकर भगवान बोले शंकर भगवान की शंकर भगवान भोला होता बेबी के मियां हमें होशियार हो गया लेके डोकरे के यूं पार पड़े को जमे हमें शंकर भगवान ही सियाणा हो गया हाँ इस वास्ते कवे इस भजन में अंत में कवि झाला साहब मोदी झाला साहब कहीं देखो कलम री रचना करे और कहीं देखो इन बड़े मीठे ढंगसू गावे और कहीं बात बने देखो चलो भैया बतावे शिव ब्रह्मा जावे यो वेद बतावे शिव ब्रह्मा जावे हो कवि ने बड़ी अच्छी बात की है झाला साहब ने कि पृथ्वी वायु जल अग्नि आकाश ये पांच तत्व है तो पांचों तत्व और मायने गुरु विश्वकर्मा जी महाराज रो वास पृथ्वी वायु जल अग्नि आकाश और पांच तत्वों में विश्वकर्मा स्वाता यूं वेद बतावे शिव ब्रह्मा जावे जद मोहन जा लगुणे नारायण अंतर्यामी विश्वकर्मा स्वामी नारायण अंतर्यामी हर शिल्प कला जग मिलाविया विश्वकर्मा स्वामी श्याम श्री नकद बना के नाम जागरण लाग रही है कोथर डणिया बोझा से भगवान राम जी सुनोप कान्हा राम जी सुथार
सलोन कथा रे डाणिया डाड़ेली बजाज खिमसर जिला नागौर क्या बात है। और जितना भी मान भाव को बताया है और विश्वकर्मा जी महाराज वजन आज होता रहा डाणिया में गुरु कृपा साउंड में रिकॉर्डिंग हुई है। और गायक कलाकार संपत उपाध्याय भजन रहा नृत्य करो बहुत ही सुरीला कलाकार मैं कोटि कोटि नमन करूं झाला साहब ने मोह जी झाला साहब जोधपुर निवासी और जितना भी मान भाव महाराज भगत बिराजी सभा ने बहुत बहुत धन्यवाद। जब मोहन झाला तेरा गाविया विश्वकर्मा शिल्प कला जग में नारिया विश्वकर्मा स्वामी नारायण अंतर्यामी रे परमा सगले बड़े भाव दोनों हाथ जोड़ जयकार लगाया बोलो भजन हमद में नहीं आए तो ही जयकार लगाया ताकि महाराज की कृपा हो जाए। बोले गुरु विश्वकर्मा भगवान की बोलो सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म ही गुरु महाराज बाद में शुरू हो आज ही सनातन धर्म मन हगल ही भेड़ा हुए जद के पृथ्वी वायु दल अगनी आकाशा और पांच तत्व में गुरु विश्वकर्मा सुबह था पांचों तत्व मायने भगवान रो वास है। बोलो जड़े जड़े जगह काम करे अग्नि है अग्नि रे काम करे इवास्ते कहे पांच तत्व में विश्वकर्मा स्वाता यू वेद बतावे चार वेद है और चार वेद मैंने नाम अमर है। और कहे यू वेद बतावे शिव ब्रह्मा ध्यावे जद मोहन झाला गुण तेरा गाविया विश्वकर्मा स्वामी नारायण अंतर्यामी शिल्प कला जग में लाविया। एड़ी कला है अब वास्तव में कला कला केर मा तो सर्वपोत्र मैंने कारीगर हाथ है। अरे जिकर हाथ दे अगर लकड़ी रो बल काटड़ो हो नहीं तो बाकी रा कारीगर जी का काम करे इन बामे रड़क हो नहीं क्या काम आज करे जमा भाई जी के बात करो हणे आज का तुम इलेक्ट्रिक चीज ज्यादा वापर के बाकी पहली बन सोलर